Bismillahirrahmanirrahim. Next, today's topic is evidence of atoms. जैसा कि last lecture में हमने ये study किया था कि एक atom की history क्या है. इसमें हमने history Democritus या Dalton's या 17th century या Berzelius. अब आज के topic में हमने ये देखना है कि क्या एक atom के कुछ evidences भी हैं या हम बगैर evidences space पे यकीन किया हुआ है हमने. सपोज मेरे पास एक मैटर है, उसमें क्या मैं एविडेंसेस कोई मुझे नजर आ रहे हैं जिससे मैं कहूं कि ये एटम्स हमारे पास क्लियर हैं. इसके लिए अगर मैं स्टेप वाइज मैं बात को लेकर चलता हूं, अगर हम आम आंख से देखें, ये पॉइंटर मेरे पास एक एटम है, एक मैटर है. अब अगर मैं ये देखूं आम आंख में, इसमें कोई एटम्स मुझे नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो क्या साइंस इस चीज की इजाजत देती है कि जो चीज एक क्लियर भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है, हम उस पर यकीन कर लें? बिल्कुल भी नहीं. मतलब केमिस्ट्री एक साइंस है, हम इसमें बगैर किसी एविडेंसेस की यकीन नहीं कर सकते. तो हमें अभी तक एटम पे कोई यकीन नहीं है क्योंकि हमें एविडेंसेस नहीं मिले. फिर क्या करें? फिर दूसरा पॉइंट ये है कि हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं ताकि हम एविडेंसेस ऑफ एटम की तरफ लेके जाएं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? एक छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना. अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो रेडिएशंस यूज की जाती हैं, वो रेडिएशंस हमारे पास है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट हमारे पास है. हम यहां पे विजिबल लाइट को क्या करते हैं? यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. अब विजिबल लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी जो रेंज है ये अप टू 500 नैनोमीटर. 500 नैनोमीटर की अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी तो हमें नजर आएगी. और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसका साइज 500 नैनोमीटर से छोटा होगा, फिर हम कंबाइंड माइक्रोस्कोप से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जैसे कि नैनोमीटर को अगर मैं बताऊं तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10^-9 मीटर के. मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है. जब हमने एटम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की तो हमें एटम नजर नहीं आया. तो क्या फिर हम इस पे बिलीव कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते. पहले हमने आम आंख से देखने की कोशिश की, हमें नजर नहीं आया. हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की, हमें नजर नहीं आया. तो फिर क्या करें? फिर तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं. हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो रेडिएशंस यूज की जाती हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन बीम्स. इलेक्ट्रॉन बीम्स हम यहां पे यूज करते हैं. इसमें जो एप्लीकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, जो रेडिएशन हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम. अब इलेक्ट्रॉन बीम हमने जब ये देखा और इलेक्ट्रॉन बीम्स ये रेडिएशन हमने पास आउट कराई, और इसके सामने हमने यहां पे जो मटेरियल रखा वो क्या रखा? ग्रेफाइट हमने मटेरियल रखा. एक ग्रेफाइट हमने मैटर लिया, उस पे हमने इलेक्ट्रॉन बीम्स डाली. जब हमने उस पे इलेक्ट्रॉन बीम्स डाली तो सामने उसके हमारा एक फोटोग्राफिक इमेज आ गया. एक फोटोग्राफिक इमेज बन गया इसका. ये फोटोग्राफिक इमेज किस तरह से था? ऐसे लेयर्ड सी रेडिएशन यहां पे इमेज जो है रेडिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा डेवलप हो गया. अब इस फोटोग्राफ में दो तरह की चीजें हमारे सामने हैं, दो तरह के पॉइंट्स हमारे सामने हैं. एक डार्क लाइंस है, दूसरी ब्राइट स्पेसेस हैं. इसका मतलब ये है जो डार्क लाइंस हमें समझ आ रही है, जैसे अगर हम लाइट के सामने अपना ये हाथ अगर हम फिंगर्स करते हैं तो यहां से सामने तो हमें नजर आएगा हर चीज, लेकिन जहां जहां पे हमारी फिंगर होगी वहां से उसका शेडो बन जाएगा जब हम लाइट के सामने करते हैं. तो ये ऐसे समझे कि ये कोई पार्टिकल्स हैं, कोई मटेरियल्स हैं जिसमें से रेडिएशंस पास आउट नहीं हो रही और सामने उसका एक लेयर्ड इमेज बन रहा है.
इस इमेज से ये जो हमने फोटोग्राफ हमने हासिल किया, इस फोटोग्राफ से हमें ये आइडिया हुआ कि ग्रेफाइट की एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसमें कुछ मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से हमें एक एविडेंस मिल गया, दैट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एन एटम व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन बीम्स आर स्ट्राइक ऑन ग्रेफाइट मटेरियल। द फोटोग्राफ इज डेवलप्ड एंड इट फोटोग्राफ हैज डार्क लाइंस एंड ब्राइट स्पेसेस। तो ये एक एविडेंस में लग गया, इट मीन देयर इज समथिंग, देयर इज सम पार्टिकल। तो पहला इमेज, जो पहला एविडेंस हमें यहां पे डेवलप हुआ। इसके बाद फर्दर हमने क्या किया, 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई और 20th सेंचुरी में हमने क्या किया, एक्सरे स्टडी की, एक्सरे एनालिसिस किया। अब एक्सरेज क्या कहती हैं? एक्सरे स्टडी से क्या हुआ हमारे पास, इससे हमें एक तो उसका साइज, उसका डायमीटर हमें समझ आया। इसमें से एक पॉइंट हमने डायमीटर ऑफ एटम जो है वो स्टडी किया। व्हाट इज द डायमीटर, ये एमसीक्यूज में भी आता है, एमसीक्यू बनता है इस चीज का, डायमीटर ऑफ एटम कितना है। इसको हम 2×10⁻¹⁰ भी कहते हैं, 2×10⁻¹⁰। इसे हम 0.2 नैनोमीटर भी कहते हैं और इसे हम 2 angstrom भी कहते हैं। एमसीक्यूज में जो ऑप्शन आएगा, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, दैट शुड बी द राइट ऑप्शन। अब ये angstrom क्या है, angstrom एक साइंटिस्ट का नेम है और 1 angstrom इक्वल होता है 10⁻¹⁰ मीटर। 10⁻¹⁰ मीटर ये इस चीज के बराबर है, ठीक है। तो डायमीटर हमें किसी चीज का मिल रहा है, अगर डायमीटर हमें मिल रहा है, इट मीन देयर इज समथिंग। ये और एविडेंस हमें मिल गया, ये एक नेक्स्ट एविडेंस था हमारे पास। इसके बाद हम किस तरफ चले गए, हम उसके मैस ऑफ एटम की तरफ चले गए। मैस ऑफ एटम पे हम आ गए, मैस ऑफ एटम को जब हमने स्टडी किया, तो एक एटम का मैस 10⁻²⁷ से लेके 10⁻²⁵ केजी था। 10⁻²⁷ से लेके 10⁻²⁵ केजी, किलोग्राम। अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10⁻²⁴, इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, 22 grams। अगर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये लिखूंगा 10⁻²⁰, 10⁻¹⁹ मिलीग्राम्स, ठीक है। इन तीनों में से किलोग्राम्स में, ग्राम्स में या मिलीग्राम में कोई ऑप्शन होगा, ये राइट ऑप्शन है। ये हमारा जो है एमसीक्यूज में ये भी बनता है। फिर जो मास ऑफ एटम है वो हम एएमयू में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, और 1 AMU इक्वल होता है 1.661×10⁻²⁷ केजी। से इस तरह से भी कह सकते हैं 1.661×10⁻²⁴ grams, ये भी एमसीक्यूज में आता है 1 AMU is equal to। अब ये हमारे पास एविडेंसेस हैं, मास ऑफ एटम आ गया, दैट इज द एविडेंस ऑफ एन एटम। हमारे पास उसका डायमीटर आ गया, दैट इज द एविडेंस ऑफ एटम। और दूसरी बात यहां पे जो मैंने बात की कि एक उसका ऑब्जेक्ट आ गया, दैट इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ एटम। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि एक आम स्टूडेंट को समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हम एक डॉट ऑफ एटम की बात करें, तो डॉट ऑफ, अगर हम डॉट ऑफ इंक की बात करें, डॉट ऑफ इंक में हम ये कहते हैं अराउंड 2 मिलियन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 मिलियन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ये
अब जब हम इन एविडेंसेस को देखते हैं तो हमें एटम पे यकीन होता है। उस एविडेंसेस में क्या है, एक डॉट में 2 मिलियन एटम्स हैं, उसका मैस इतने हैं, उसका जो डायमीटर है एक्सरे स्टडी से वो हमें आइडिया हो रहा है। और नेक्स्ट जो इसका ये था, जो सबसे फर्स्ट वन हमारा एविडेंस था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हमने इलेक्ट्रॉन बीम्स, मैं इसको लेबल भी कर देता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है, और इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने तकरीबन 15 मिलियन टाइम्स जो है वो क्या किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। तो इन एविडेंसेस से हमें एटम पे क्या होता है, यकीन हो जाता है। ठीक हो गया, इस एटम पे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो हम यहां पे कहते हैं कि दैट इज मॉलिक्यूल। एटम का पॉइंट यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम किसकी तरफ आते हैं, हम मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं और सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल डिटेल में भी आ जाता है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट है किस चीज का, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शय का। सब्सटेंस क्या है, जैसे पानी का एक गिलास मैंने अगर भरा हुआ है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। अब उस पानी के गिलास में H2O तो बहुत से होंगे ना, एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स उसमें पड़े होंगे। तो जो एक मॉलिक्यूल अगर हम उसमें से निकालें तो वो हम कहते हैं कि दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, which can exist independently, which can exist independently, ये independent form में exist करता है। अब इसकी definition होगी, the smallest part of a substance which can exist independently, that is called molecule। ये definition यहाँ पे complete हुई। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन अलग-अलग मैं उसको क्लासिफाई कर देता हूं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, नेचर की, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग भी आता है। इसको अगर हम देखें तो इसकी दो क्लासेस हैं नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम ये कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा हम यहां पे कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब क्या हुआ, सेम। इसको डिफाइन हम इस तरह से कहते हैं, द मॉलिक्यूल्स which contains same type of atoms, which contains the same type of atoms are called homoatomic molecules. The molecules contain same type of atoms. What is the example? H2 is the example. O3 is the example. P4 is example, S8 is example, Cl2 is example. H2 एक molecule है, दोनों H atoms हैं, O3 एक molecule है, तीनों oxygen atoms हैं, P4 एक molecule है, चारों के चारों phosphorus atoms हैं। These are called homoatomic molecules. Second one is hetero. Hetero का लफ्ज़ी मतलब है different. The molecules which contain different type of atoms, different type of atoms, these are called heteroatomic molecules. For example, H2O
एक ऑक्सीजन एटम भी इसमें मौजूद है, हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है, HCl दैट इज एग्जांपल, CO2 दैट इज एग्जांपल। तो ये हमारे टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? इट एटॉमिसिटी की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अगर इसमें डिफाइन करें इसकी, अगर हम टाइप्स में हैं, इसकी टाइप्स हैं, ने हम ये कहते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये एक एग्जांपल है, इसकी टाइप है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इस तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। और जनरली हम क्या कह देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर द क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है? मोनो मींस वन, द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन जस्ट वन एटम, व्हिच कंटेन जस्ट वन एटम, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स क्या हो गए? हीलियम इसकी एग्जांपल है, नियॉन इसकी एग्जांपल है, आर्गन, ज़ीनान इसकी एग्जांपल है, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? The molecules which contain two atoms, जिसमें दो atoms हों, वो चाहे एक जैसे हों या मुख्तलिफ हों, ये शर्त नहीं है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, दो atoms इसमें मौजूद हैं। O2 की अगर हम example करें, दो atoms हैं, that is also diatomic molecules। Triatomic फिर आ जाती है, these are the molecules which contain three atoms अगर इसमें आ जाएं, three atoms में हमारे examples क्या हैं? H2O हमारी example है, CO2 हमारी example है, O3 हमारी example है। Poly means many, the molecules which contain many atoms, that is called polyatomic molecule। examples हमारे पास क्या हो गई इसमें? मैनी एटम्स की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं इसमें H2SO4 हो गया, इसमें C6H12O6 हो गया, मैनी एटम्स हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी है। थर्ड क्लासिफिकेशन यहां पे आ जाती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हम साइज की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन करें तो दो क्लासिफिकेशन हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हम एक कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारी एक टाइप है, और दूसरी टाइप हमारे पास क्या है यहां पे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा। माइक्रो मीन्स the molecules which are small in size, these are called micromolecules। small in size से क्या है? जैसा कि H2 small in size है, O2 small in size है, H2O small in size है, ये सारी हमारी examples किस में आ जाती हैं? micromolecules में आ जाती हैं। दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लार्ज इन साइज में अगर हम चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स इसकी एग्जांपल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसकी एग्जांपल्स हैं, इस तरह के जितने भी हमारे बड़े कंपाउंड्स आ जाए, पॉलीमर्स इसमें आ जाते हैं। बुक में जो एग्जांपल मेंशन की हुई है वो हेमोग्लोबिन की एग्जांपल मेंशन की हुई है, हेमोग्लोबिन। इसमें बाज का एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। हेमोग्लोबिन पे फंक्शंस में अगर हम जाएं तो
इसका फंक्शन ये है कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन इन ब्लड, एक इसकी एप्लीकेशन ये है। दूसरा ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, 10,000 एटम्स हैं इसमें, ओवरऑल एटम्स 10,000 एटम्स हैं। एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी कितनी है, साधारण नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स 10,000 हैं, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, वो भी 10,000 हो गई। जब हम इसके मास की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस वन इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन ऑक्सीजन, सॉरी दैट इज हैवियर देन हाइड्रोजन। The mass of hemoglobin is 68,000 times heavier than hydrogen. तो ये इसमें MCQs में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो molecules को मैं revise कर दूँ। On the basis of nature, homo and hetero, same and different. On the basis of atomicity, homoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. On the basis of size, micromolecules and macromolecules. इसमें से किसी भी क्लास को शॉर्ट क्वेश्चन भी अलहदा पूछ लिया जाता है और ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इट्स ऑल गुड, थैंक यू।